IPL इंस्टॉलर प्रीमियर लीग IPL। यार दोस्तों, मुझे यकीन है कि भाई आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ गया होगा कि भाई आखिर ये सोलर IPL क्या है? कहीं ये कुश्ती तो नहीं, या फिर कबड्डी तो नहीं, या फिर कह दे कि भाई एक कोई क्रिकेट मैच होने वाला है? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इसका नाम ही देख सकते हैं, इट्स सोलर IPL। IPL मतलब कि इंस्टॉलर्स प्रीमियर लीग। ये जो कॉन्टेस्ट है वो सोलर सेगमेंट के लिए है, इंस्टॉलर्स का प्रॉपर एक कॉन्टेस्ट है, जहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये देखेंगे कि भाई आप सही में एक सही सिस्टम का सही इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। और मुझे यकीन है कि भाई ये जो सोलर IPL है, ये हमारी इंडस्ट्री को ज़रूर फ़ायदा देगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक को फ़ायदा देगा। एज ए इंस्टॉलर आपको भी फ़ायदा देगा, एज ए कस्टमर आपको भी फ़ायदा देगा, और हाँ, एज ए स्पॉन्सर या फिर कह देंगे जो सपोर्टर्स होते हैं उनको भी फ़ायदा होगा इससे। अब ये फ़ायदा किसको, कब और कैसे होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आपको तो ये मालूम ही होगा कि भाई सोलर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्टेड ट्राइड प्रूवन टेक्नोलॉजी, और आज की डेट में गवर्नमेंट यानी कि सरकार इसे प्रमोट करने के लिए अच्छे खासे कदम उठा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना भी डिक्लेयर हुई है, जहां पे हर घर पे सोलर लगाने की बात की जा रही है। अब यहां पे बात ये उठती है कि भाई आखिर सिस्टम तो सही है और उसमें जो मॉड्यूल्स लगते हैं उस पर 20 से 25 साल की वारंटी या गारंटी भी मिलती है, बट ये सिस्टम तभी परफॉर्म करेंगे जब उसको अच्छी तरीके से सही तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इंस्टॉलेशन बहुत क्रिटिकल रोल अदा करता है। एक सही सिस्टम का एक सही तरीके से सही जगह पे सही हिसाब से इंस्टॉलेशन, ये ज़रूरी होता है। और इसी को ध्यान में रख के ये IPL, ये जो इवेंट है, ये फ्रेम आउट किया गया है, जहाँ पे इन सोलर सिस्टम्स के इंस्टॉलर्स आएंगे, अपने नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के सामने शोकेस करेंगे, और आप उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। और अच्छी बात ये भी है कि भाई इस बार सोलर IPL सीज़न 2 रिन्यूएक्स एक्सपो के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई रिन्यूएक्स इस बार 26 और 27 अप्रैल को हैदराबाद हाईटेक्स में हो रहा है, और ये उनका 8th एडिशन है। और हर साल की तरह यहाँ पे इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज, नए प्रोडक्ट्स और नए कॉन्सेप्ट को यहाँ पे शोकेस करेंगे। और इसी रिन्यूएक्स के साथ ही ये IPL सीजन 2 भी वहीं पे सेम ग्राउंड पे हो रहा है। तो इस बार रिन्यूएक्स में आपको ना सिर्फ नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए कॉन्सेप्ट को देखने को मिलेगा, बट साथ ही में आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये IPL रिन्यूएक्स के साथ ही वहीं पे हो रहा है, जहाँ पे अलग अलग टीम्स आके अपना परफॉर्मेंस देंगी, और उससे आप कुछ नया सीख के जरूर जाओगे। अब बात कर लेते हैं भाई इसमें किसको क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे तीन पहलू निकलते हैं। एक तो है कि भाई कस्टमर के नजरिए से उसको क्या फायदा होगा, दूसरा है कि भाई इंस्टॉलर्स के नजरिए से उनको क्या फायदा होगा, और तीसरा है जो स्पॉन्सर्स या जो कहते हैं कि भाई सपोर्टर्स, उनके नजरिए से उनको क्या फायदा होगा। आइए वो भी एक एक करके आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपका समय बर्बाद ना हो और आप अपने सीधे मुद्दे की बात समझें, तो उसके लिए हमने इस वीडियो में टाइमलाइन भी दिया हुआ है। आप अगर एज ए कस्टमर इस इवेंट के बारे में समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आप इंस्टॉलर हैं और आप जानना चाहते हैं कि भाई आपके लिए इवेंट कैसे फायदेमंद होगा, तो आप यहाँ से इस वीडियो को देखिएगा। और हाँ, आप अगर इस इवेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को इस टाइमलाइन से देखिएगा। तो चलिए, आइए आपको मैं एक एक करके ये IPL इवेंट के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। मैं अजीत बहादुर आपका सोलरइज़ में पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि भाई इट्स आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाई इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री से रिलेवेंट टॉपिक को इंडस्ट्री के सामने शोकेस किया जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई एज ए कस्टमर आपको इस इवेंट में क्या फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर इस सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसको कैसे लगाया जाता है, उसका साइजिंग, डिजाइनिंग या फिर उसका सिलेक्शन किस पॉइंट्स को ध्यान में रख के किया जाता है, और वो कंपोनेंट एक्चुअली इस पूरे सिस्टम में कहाँ लगता है। तो दोस्तों, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे यानी कि IPL इवेंट में आपके सामने प्रैक्टिकली ये जितने भी पार्टिसिपेटिंग टीम होंगी वो आपको वहीं पे दिखाएंगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से 8 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, और वो कैसे उन कंपोनेंट्स का हैंडलिंग करते हैं, कैसे उनका इंस्टॉलेशन करते हैं, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे क्यों और
कितना लगाया गया है ये भी आप वहीं पे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। इनफैक्ट आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग टीम से भी पूछ सकते हैं कि भाई आखिर ये कंपोनेंट आपने यहाँ पे क्यों लगाया है, या फिर कह दे कि भाई इस चीज़ की यहाँ पे क्या ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें खुद ही आप प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि भाई एक सोलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, कैसे लगते हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जानी चाहिए। और अच्छी बात ये भी कि भाई वहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, पॉलिसी मेकर्स भी रहेंगे और ट्रेंड सेटर्स भी रहेंगे और आपको उनसे भी अपने डाउट्स क्लियर करने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब ये कॉम्पिटिशन हो रहा होगा तो इसे जज करने के लिए ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वहाँ पे मौजूद रहेंगे। आप अपने क्वेश्चन या फिर अपने डाउट्स उनसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक और अच्छी बात ये है कि भाई आप जितने भी व्यूअर्स होंगे एज ए कस्टमर्स, अपने जो डाउट क्लियर करने आए हैं उनके लिए भी एक छोटा सा क्विज रखा जाएगा। आप अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको भी हमारी तरफ से इनाम जरूर मिलेगा। फिलहाल मोटा मोटी व्यूअर्स में इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई आप अगर अपने घर के ऊपर एक ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि भाई क्या होता है, कैसे होता है, कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, तो आप इस इवेंट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और हाँ, आने से पहले अपना आप फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा, आपका ही कीमती समय बचेगा। आप जैसा ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ये उनका QR कोड है, आप इसे स्कैन करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और साथ ही में आप लोगों की सहूलियत के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी शेयर किया है, आप वहां पे अपना फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट के लिए, दैट इज इंस्टॉलर्स प्रीमियर लीग के इंस्टॉलेशन टीम की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि भाई इंस्टॉलर प्रीमियर लीग, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन टीम को सबसे ज्यादा अहमियत दी जा रही है। क्या है कि भाई आप भी जानते होंगे कि भाई जब भी कोई पिक्चर हिट होती है तो वहां पे हमेशा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स का नाम आगे आता है, बट उस पिक्चर बनाने के दौरान और भी टीम इन्वॉल्व होती है तो उनका नाम कहीं पे जिक्र में नहीं आता है। बट यहाँ पे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम जो इंस्टॉलेशन टीम है जो सही में उसका सही इंस्टॉलेशन करती है उनको आगे दुनिया के सामने लाएंगे। क्या है कि भाई एक सही सिस्टम को सही इंस्टॉलेशन की भी जरूरत होती है और उसके लिए सही इंस्टॉलर्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, सेफ्टी, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि भाई यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दोस्तों, इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन टीम होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 4 कैंडिडेट से लेकर मैक्सिमम 6 कैंडिडेट तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया यही है कि भाई आपकी एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन टीम होनी चाहिए और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी टीम का साइज मिनिमम 4 से लेकर मैक्सिमम 6 तक का हो सकता है। और वहीं अगर हम एज की बात करें तो उनका एज 20 से लेकर 40 साल के बीच में ही होना चाहिए। और यहाँ पे मेल और फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपकी टीम में मेल मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं या मिक्स मेंबर्स हैं उसका कोई टेंशन नहीं है, आपकी टीम में मेल और फीमेल मेंबर्स दोनों हो सकते हैं। द ओनली थिंग इज यहाँ पे मैक्सिमम 6 मेंबर्स हो सकते हैं और उनका एज 20 से लेकर 40 साल के बीच में होना चाहिए। और साथ ही में इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम तो सीरियस हैं ही और हम चाहते हैं कि भाई जो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें वो भी सीरियस कैंडिडेट्स ही हो। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10,000 रुपीज रखी गई है, आपको रजिस्ट्रेशन कराते वक्त ये 10,000 रुपीज पे करना है, फिर ही जाके आप अपने टीम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और हाँ, ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये 10,000 रुपीज इज नॉन रिफंडेबल। जी हाँ दोस्तों, आप अगर सही में सीरियस हैं तभी आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्या होता है कि भाई कई लोगों के मन में ये गलत फहमी आ जाती है कि भाई हम सबसे अच्छा इंस्टॉलेशन करते हैं और हमसे बेहतर कोई इंस्टॉलेशन नहीं करता है, या फिर कहते हैं कि भाई कई लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि भाई आखिर एक सही सोलर पीवी सिस्टम का सही इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, या उनके उधर कोई इंस्टॉलेशंस अभी तक ऐसे नहीं हुए होते हैं। तो वहाँ पे जो लोकल इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इन सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के लिए सही तरीके से। तो ये इवेंट सोलर IPL इन सब लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है कि भाई जो लोग सही में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो आए और अपना नॉलेज और स्किल्स एक्सपर्ट्स के सामने शोकेस करें और सही तरीका बताएं कि भाई सही प्रैक्टिस क्या होता है, सही तरीका क्या होता है, सही तरीके से सिस्टम कैसे लगता है, सेफ्टी क्या होती है और कौन कौन से टूल्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहीं पे देखने को और समझने को मिलेगी। अब बेसिकली इस इवेंट में आपको करना क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक 2 kW का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स दिए जाएंगे जिसको आपको 2 घंटे के अंदर
इंस्टॉल भी करना है और डिसमेंटल भी करना है। जी हाँ दोस्तों, एक और बार बता देता हूँ, एक 2 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रॉपरली आपको इंस्टॉल भी करना है और उसे वापस डिसमेंटल करके वहीं पे रख देना है। ये पूरा एक्टिविटी करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और उस सिस्टम में लगने वाला हर कंपोनेंट आपको दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको वहाँ पे सोलर मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, इन्वर्टर मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ACDB, DCDB, LA अर्थिंग और नेट मीटर और साथ ही में ग्रॉस मीटर, ये सारी चीजें वहीं पे आपको मिलेगी। द ओनली थिंग इज आपको अपने साथ क्या लेके आना है, आपके टूल्स, आपका PPE किट और साथ ही में इस सिस्टम में लगने वाला वायरिंग यानी कि AC साइड की वायरिंग, DC साइड की वायरिंग और LA की वायरिंग और कुछ MC4 कनेक्टर्स आपको अपनी तरफ से लाना होगा। फिलहाल ये तमाम जानकारी आपको IPL के टर्म्स कंडीशन शीट में भी आपको मिल जाएगा, आप उसे देख और पढ़ जरूर लीजिएगा, तभी जाके इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। और आप लोगों की सहूलियत के लिए इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के साथ हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब ये तो पता चल गया कि भाई कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे क्या करना है, बट आइए आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई उसे पार्टिसिपेट करने का क्या फ़ायदा होगा, यानी कि इंस्टॉलर्स जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उनको क्या फ़ायदा होगा। तो पहली बात तो ये है कि भाई हर पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट साइंड बाई ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने IPL सीजन 1 में किया था कि भाई वहाँ पे हर पार्टिसिपेंट को MACDCL की तरफ से सर्टिफिकेट मिला था, उसी तरह सीजन 2 में भी हर पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ ही में आपको सीजन 2 का मेडल भी मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर पार्टिसिपेंट को सोलर इज माय पैशन की तरफ से एक प्रॉपर किट भी मिलेगा और वो आपको जरूर कहीं ना कहीं काम आएगा। साथ ही में आपकी टीम के बारे में और आपके काम के बारे में एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया जाएगा जो कि हमारे चैनल के ऊपर ही रिलीज होगा। और हाँ, आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसे भी कैमरा पे रिकॉर्ड करके हमारी चैनल पे शोकेस किया जाएगा। तो आप देखिए कि भाई आपको किस लेवल की विजिबिलिटी मिलने वाली है और इस चीज का आपको फायदा जरूर होगा। और साथ ही में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भाई आपके परफॉर्मेंस को जज करने के लिए वहां पे एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, वो आपके इस परफॉर्मेंस को जज करेंगे और आपसे ओरल क्वेश्चंस भी पूछेंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ साथ ओरल एग्जाम भी होगा और उसके बेसिस पे जो एक्सपर्ट्स हैं आपको नंबर्स भी देंगे और जो टीम सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी उनको प्राइज भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि सीजन 1 में हमने प्राइजेस दिए थे, उसी तरह सीजन 2 में भी प्राइजेस हैं और वो भी कैश प्राइजेस। फर्स्ट विनर को इस बार कैश 30,000 के साथ साथ ट्रॉफी भी मिलेगी, उसी तरह सेकेंड विनर को 20,000 रुपीज कैश साथ में एक ट्रॉफी, और जो थर्ड विनर होगा उनको भी 10,000 रुपीज कैश और प्रॉपर ट्रॉफी भी मिलेगी। तो आप खुद ही देख लीजिए कि भाई फिल्म के पीछे काम करने वालों का किस तरीके से यहाँ पे हम सम्मान करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम तो आपने अच्छा बना दिया, अच्छे कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया, अच्छा इंस्टॉलेशन भी ज़रूरी है जो कि आप लोग करने वाले हैं और आप लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए ही ये इवेंट बनाया गया है। आप लोगों के इस परफॉर्मेंस से कई लोग कई नई चीज़ें सीखेंगे ज़रूर, बट यहाँ पे आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्या है कि भाई हमारे पास दिन सिर्फ 2 है यानी कि 26 और 27 अप्रैल, तो इन 2 दिनों में ही इस इवेंट को कंप्लीट करना है और इसका रिजल्ट भी इन्हीं 2 दिनों के अंदर देना होता है। तो यहाँ पे सीट्स लिमिटेड हैं, मैक्सिमम 6 से लेकर 8 टीम ही यहाँ पे कंटेस्ट कर सकती हैं। तो आपको अगर लगता है कि भाई आप सही में इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लायक हैं और अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को दूसरों के सामने शोकेस करना चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बाद में बोलिएगा मत कि भाई अजीत हमारी टीम को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस एंड इट्स ओपन टू ऑल इंस्टॉलेशन टीम्स। और यहाँ पे एक और अच्छी बात ये है कि भाई यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग टीम होगी उनका ट्रेन का 3 AC का आने जाने का जो खर्चा है उसका एक साइड का जो टिकट वो रिन्यूएक्स आपको रिएम्बर्स करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये टिकट रिएम्बर्समेंट का भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सबसे पहले अपने टीम का रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप अपने वो ट्रेन का या कहते कि भाई ट्रेवल का डिटेल्स उस लिंक में जाके सबमिट कर दीजिए, आपको एक तरफ का पैसा रिएम्बर्स हो जाएगा। और हाँ, आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा, आपका ही कीमती समय बचेगा। अब आइए मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई आप इस इवेंट को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं या स्पॉन्सर कर सकते हैं और आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि भाई इट्स वन ऑफ द यूनिक आइडिया या कहते कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जो कि पहली बार हम कर रहे हैं, जहां पे एंड यूजर्स यानी कि कस्टमर्स का भी ध्यान रखा गया है, इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलर्स का भी ध्यान रखा गया है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ही आके इस इवेंट को जज करेंगे। तो यहाँ पे ब्रांडिंग के बारे में आप निश्चिंत हो जाइए,
हम इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। और वहीं जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बता रखा है कि भाई यहाँ पे हर पार्टिसिपेटिंग टीम का अपना डेडिकेटेड वीडियो होगा, साथ ही में उनकी परफॉर्मेंस का भी वीडियो होगा, और इस इवेंट का प्री प्रमोशन भी होगा, पोस्ट प्रमोशन भी होगा, साथ ही में जो एक्सपर्ट्स आएंगे उनका भी टेस्टिमोनियल वीडियो यहाँ पे लिया जाएगा। और ये जितने भी वीडियोज़ होंगे उसमें हमारे स्पॉन्सर्स का नाम ज़रूर शोकेस होगा। तो ऑनलाइन वीडियो में तो आपका नाम आना ही आना है, और आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए कि भाई ऑन एन एवरेज 15 से 20 वीडियो में आपका ब्रांडिंग होगा ही होगा। और वहीं जैसा कि हमने यहाँ पे कस्टमर्स या एंड यूजर्स का भी ध्यान रखा है, और हमने बोल रखा है कि भाई एज ए कस्टमर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए भी हमने क्विज का बंदोबस्त कर रखा है, उनको भी वहाँ पे गिफ्ट मिलेगा। और गिफ्ट में इस बार हमने कैप देंगे, कुछ को हम बैग्स देंगे, और कुछ को हम नोटबुक्स भी देंगे, और इन तीनों में आप को ब्रांडिंग कर सकते हैं। साथ ही में IPL सीजन 2 का डे 1 का वीडियो भी रिलीज होगा, डे 2 का भी वीडियो रिलीज होगा, और इन दोनों वीडियोस में आपका ब्रांडिंग जरूर आएगा। और आखिर में एक और अच्छी बात बता देता हूँ कि भाई जो भी टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है उनकी जर्सी के ऊपर भी, यानी कि उनके टी शर्ट के ऊपर भी आपका लोगो होगा। द ओनली थिंग इज स्पॉन्सर्स की भी अलग अलग कैटेगरी है, आप जिस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका ब्रांडिंग जरूर किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई इस IPL सीजन 2 को भी आपका सपोर्ट जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस इवेंट में भी हमने हर एक का ख्याल रखा है, कस्टमर्स का भी ख्याल रखा है, उनके लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, इंस्टॉलर्स का भी ख्याल रखा है, क्या है कि भाई पिक्चर के पीछे की कहानी वही संभालते हैं, और साथ ही में सपोर्टर्स यानी कि स्पॉन्सर्स का भी ख्याल रखा है, उनको प्रॉपर ब्रांडिंग मिलेगी। बट द ओनली थिंग इज यहाँ पे आने से पहले आप अपना प्रॉपर फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लीजिएगा, आपका ही कीमती समय बचेगा। तो मिलते हैं 25 और 26 अप्रैल को रिन्यूएक्स हैदराबाद में, और पार्टिसिपेट करते हैं सोलर इंस्टॉलर्स प्रीमियर लीग सीजन 2 में।